भारत दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश है, जहां कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में अब कुल 21.67% क्षेत्र वन और वृक्षों से आच्छादित है, जो अभी भी 33% के लक्ष्य से बहुत दूर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े पौधों, जानवरों और इंसानों तक की प्रजातियों से ही जैव विविधता बनती है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तक देश में 46,000 से अधिक पौधों और 81,000 प्रजातियों के जानवरों को दर्ज किया गया है। यही नहीं, जंगल के मूल आदिवासी और जनजाति समुदाय भी इस जैव विविधता का हिस्सा है। भारत के दो जैव परिक्षेत्रों के तहत 5 बायोम, 10 बायोजियोग्राफिक जोन और 25 बायोजियोग्राफिक प्रांत आते हैं। भारत की संपन्न जैव विविधता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के समस्त स्तनपायी जीवों में 7.5% भारत में है। दुनिया के तमाम पक्षियों में से 12.5% सरीसृपों में 6%, 4.5% उभयचर करीब 12%, मछलियाँ और 6% कुलदार पौधे विश्व के कुल भूभाग का करीब 2.5% भारत के पास है। एनबीई के मुताबिक भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने संरक्षण नियोजन के लिए जैव भौगोलिक वर्गीकरण विकसित किया है और देश में जैव विविधता संपन्न इलाकों का नक्शा भी तैयार किया है। दुनिया के 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉटों में से 4 भारत में हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और निकोबार द्वीप। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक फैले पश्चिमी घाट के 39 ठिकानों को यूनेस्को ने 2012 में विश्व विरासत सूची में जगह दी थी। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले देशों में भारत भी एक है, लेकिन विकास और निर्माण की आपाधापी में इसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। कुदरती आफतें और पर्यावरणीय घटनाएं दिखाती हैं कि नहीं संभले तो जैव विविधता की छतरी भी कमजोर होगी। जैव विविधता 3 तरह की होती है: आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अब तक देश में 46,000 से अधिक पौधों और 81,000 प्रजातियों के जानवरों को दर्ज किया गया है। यही नहीं, जंगल के मूल आदिवासी और जनजाति समुदाय भी इस जैव विविधता का हिस्सा है। जंगल की आग से लेकर जंगल को डिनोटिफाई करने, जनजातियों को हटाने और बड़े पैमाने पर निर्माण योजनाओं के लिए जंगल साफ करने के अभियानों और मंशाओं और आगामी प्रोजेक्टों ने जैव विविधता के लिए हर जगह खतरे के गलियारे खोल दिए हैं और स्थानीय आबादी के लिए खतरे की घंटी भी। कभी सड़क या बांध के लिए तो कभी इको टूरिज्म के लिए जंगल क्षेत्र को खोला जा रहा है। यहाँ तक कि आरक्षित और संरक्षित वन भी इसके दायरे में आ रहे हैं। जिस तरह भारत 30 करोड़ लोगों की आबादी को स्थायी रूप से भोजन उपलब्ध कराता है, वो एक मिसाल है। लेकिन चुनौती ये है कि भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों और देश की समृद्ध विविधता को नष्ट किए बिना या फिर दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण की धुंध पैदा किए बिना किस तरह ये उपलब्धि बरकरार रखी जा सकती है। जैव विविधता को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का महत्व पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए इसका रखरखाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के बिना हम स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों की आशा भी नहीं कर सकते हैं। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे चैनल में बने रहे और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।